बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ मूंग मटकी के सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूं। तो अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले मैंने यहां पर 2 टेबलस्पून ऑयल को कुकर में ऐड कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 10 से 12 कड़ी पत्ते। तेल थोड़ा सा हल्का गर्म हो चुका है, कड़ी पत्ते जो है अच्छे से चटक चुके हैं इसमें। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको पतला पतला हमने कट कर लिया है, और इसको भी अच्छे से तेल में हमें फ्राई कर लेना है। ज़्यादा गोल्डन हमें फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा जो है गुलाबी कलर आने तक हमें प्याज को फ्राई करना है। तो अभी आप देख सकते हैं 2 मिनट के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अब प्याज थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है, हमने आधा टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको हमें अच्छे से भून लेना है, ताकि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल जो है वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाए, और प्याज और अदरक लहसुन वगैरह सब अच्छे से तेल में जो है वो भून जाए। तो 2-3 मिनट तक हमें इसे फुल फ्लेम पर भून लेना है। जब अदरक लहसुन अच्छे से भून जाए, तब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसको छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आप चाहे तो टमाटर का पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और टमाटर डालने के बाद भी हम इसको अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि टमाटर में थोड़ा पानी होता है इसलिए जो मसाला है वो चटकने लगेगा। इसलिए हम गैस की फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे। आधा छोटा चम्मच ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 2 छोटे चम्मच ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। सारे पाउडर मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से भूनेंगे। तो अभी हम गैस की फ्लेम को करेंगे फुल और इसको अच्छे से भून लेंगे, ताकि मसाले जो है वो जले ना, और अच्छे से ये मसाला जो है वो तैयार हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून पानी। तो अभी आप देख सकते हैं टमाटर भी जो है वो अच्छे से गलने लगे हैं, और मसाला भी जो है वो अच्छे से भूनने लगा है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मूंग और मट, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है, और ये ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मूंग मट जो है वो मार्केट में इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं मिलेगा तो आप इसको ला के और फिर इसको घर में स्प्राउट्स कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मसाला जो है अच्छे से इस पर लग गया है, और इसको हमने 2-3 मिनट के लिए भून लिया है। आप देख सकते हैं इसमें से ऑयल जो है वो छूटने लगा है, और इसमें जितना भी पानी था वो पूरा ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे आधा ग्लास, और आधा ग्लास पानी हमने इसलिए ऐड किया है ताकि मूंगमट एकदम सॉफ्ट हमें गले हुए चाहिए। तो इसको हम 2 विसल ले लेंगे और फिर कुकर को ठंडा हो जाने देंगे। तो देख सकते हैं आप 2 विसल हो चुके हैं, कुकर ठंडा हो चुका है, और इसमें हल्का फुल्का जितना भी पानी बचा हुआ है इसको हमें थोड़ा ड्राई कर लेना है, क्योंकि हम इसको रोटी के साथ खाने वाले हैं। अगर आप चावल के साथ इसको खाएंगे तो इतनी ग्रेवी इसमें बस होती है। तो ये हमारा मूंग मट रेडी हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।